कहते हैं इतना ऊपर न देखो कि सर पर रखा टोप ही नीचे गिर जाए। जर्मनी और यूरोप के देश, यहाँ तक कि तुर्की, ये सारे भिड़ गए थे, लेकिन भारत के हाथ लगी वो चाबी जो इन देशों के मिसाइलों पर बड़ा लगाम लगा रही है। और आपको बता दें, भारत ने बहुत बड़ी जीत हासिल की इस एक घटना से कि अब चीन हो, रूस हो, या फिर उत्तरी कोरिया हो, या फिर तुर्की या यूरोप के कोई देश क्यों ना हो, इन सब के मिसाइलों की चाबी आ गई है भारत के पास। वैसे आपको बता दें, जर्मनी ने जी तोड़ कोशिश की भारत को रोकने की, लेकिन भारत को रोक नहीं पाया। भारत के लिए ये किसी महाशक्ति से कम नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ पंजशीर को भेजी ईरान ने बड़ी संख्या में हथियार, गोले बारूद, तो बदले में पाकिस्तान ने ईरान के साथ क्या कर दिया, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूरोप हो या फिर अमेरिकी या अन्य देश हो, एक वक्त था जब ये भारत को तुच्छ समझते थे और भारत को हर मंच पर एक हेय दृष्टि से देखा जाता था। यही सच्चाई थी, क्योंकि इन देशों के दिमाग में ये बैठा हुआ था कि भारत भूखे नंगों का देश है और इसकी तुलना पाकिस्तान से कुछ ही बेहतर है और कोई बड़ी बात है नहीं। और इसका कारण था भारत का नेतृत्व। भारत का नेतृत्व उस समय अपने आप को जोरदार तरीके से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा ही नहीं पाता था और ये साबित ही नहीं कर पाता था कि रीढ़ की हड्डी भी है। पुरानी तस्वीरों को आप देखेंगे तो भारत के पीएम अलग थलग नजर आते थे, जैसे कि मूर्ति हो, और मूर्ति से ज्यादा हैसियत भी नहीं थी। सारा कमांड तो मैडम अपने हाथ में रखती थी। यही हाल रहा है, पर अब चीजें बदल गई हैं। अब चीजें इतनी बदल गई हैं कि हर मंच पर भारत अब एक बड़ा ताकत बन गया है। भारत बेबाक ढंग से बोल रहा है, चाहे वो यूएन की रिफॉर्म की बात हो, या चीन के खिलाफ हो, या तालिबान के खिलाफ हो, और भारत की बात सुनी जा रही है। ऐसे में अब भारत के हाथ लगी है सबसे बड़ी चाबी, और वो चाबी है न्यूक्लियर मिसाइलों की चाबी। ये जो संस्था है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये संस्था निगरानी करती है दुनिया भर के देशों को कि ये न्यूक्लियर पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ इसका इस्तेमाल शांति के लिए कर रहे हैं या फिर मिसाइलें बनाने के लिए विध्वंसक या हिंसा की तैयारी कर रहे हैं। इनका एक पूरा टीम होता है, जो टीम देशों के अंदर ऑडिट करता है और ये देखता है कि कौन सा देश इस क्रम में आगे बढ़ रहा है और कौन सा देश सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा, ईरान को लेकर लगातार इस तरह की ऑडिट होती रहती है। पिछली बार जब ये संस्था ईरान पहुंची थी तो ईरान ने ऑडिट करवाने से मना कर दिया था। वैसे आपको बता दें, ये यूएन का ही पार्ट है, लेकिन इसके पास ये ताकत जरूर है कि कौन सा देश गलत इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए अलर्ट जारी करे, अलार्म जारी करे। अब इसके लिए चुनाव हो रहा था एक्सटर्नल ऑडिटर्स का, यानी वो टीम जो जाएंगे किसी दूसरे देश में ऑडिट करने के लिए। पिछली बार भारत 2012 से 2015 तक एक्सटर्नल ऑडिटर बना था, पर उसके बाद भारत को सफलता नहीं मिली थी। पर अब भारत ने बड़ा चोट देते हुए न सिर्फ यूके, तुर्की, चीन, बल्कि जर्मनी को भी हरा दिया है। जर्मनी इस वक्त काफी ताकतवर पोजीशन में था। फर्स्ट राउंड में जर्मनी को 36 वोट मिले थे तो भारत को 30, वहीं यूके को मात्र 8 और रूस को 11, तुर्की को 9, इजिप्ट को 20 और रिपब्लिक ऑफ कोरिया को 2, तो फिलीपींस को 7। पर जब दूसरे राउंड की वोटिंग होने लगी इंडिया और जर्मनी के बीच, तो जर्मनी हार गया और इंडिया एक्सटर्नल ऑडिटर के पोस्ट को जीत गया। अब अगले 6 सालों के लिए भारत है ऑडिटर, जो दूसरे देशों में ऑडिट करेगा और देखेगा कि न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। न्यूक्लियर
चीजों का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण एनर्जी कामों के लिए ही हो रहा है। यूएन में भारत की ये जीत जिसमें रूस को भी हरा दिया, ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है भारत की छवि के लिए। वहीं दूसरी तरफ जब से अफगानिस्तान और तालिबान के मुद्दे उठे जिसमें पाकिस्तान की एंट्री हुई, तब आपने ध्यान दिया होगा बहुत ज्यादा बौखलाया ईरान। ईरान इसलिए भी बौखला रहा था क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय को छिन्न भिन्न कर दिया गया था और तालिबान अपने किसी भी मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में न तो किसी अल्पसंख्यक को शामिल कर रहा था बल्कि सीधे हाजरा समुदाय हो, ताजिक समुदाय हो, इनको निशाना बना रहा था। ईरान ने उस वक्त पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला कहा था कि पाकिस्तान की भूमिका की जाँच कर रहा है ईरान और पाकिस्तान को भुगतना होगा उसने ये जो सब कुछ किया है। ईरान ने उस वक्त पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि तुम जो ये कर रहे हो, अफगानिस्तान की धरती किसी बाहरी को बर्दाश्त नहीं करती है, ये कब्रगाह है बाहरी देशों के लिए, चाहे वो सोवियत संघ है चाहे वो अमेरिका है, सबका इतिहास पलट कर देख लो और तुम भी ऐसा ही कर रहे हो, तुम्हारा भी विनाश होगा। पर पाकिस्तान ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया था ईरान को। इन सब के बीच अब बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि पनसीर में ईरान ने भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियारों को पहुंचाया है। तालिबानी लड़ाकों को जो निचले हिस्से में कब्जा उन्होंने किया है वहां से मिले हथियारों में ईरान के ब्रांड चिपके हुए हैं, जिसे देखकर ये लग रहा है कि ईरान भारी संख्या में पनसीर को मुहैया करा रहा है हथियारों को, गोला बारूद को। और अब पाकिस्तान ईरान से भिड़ गया है और ईरान से भिड़ने के लिए पाकिस्तान ने सहारा लिया है अजरबैजान का। दरअसल अजरबैजान के रास्ते अब ईरान में घुसपैठ की बड़ी कोशिश की जा रही है, आतंकियों के घुसपैठ कराने की। पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की, इन तीनों का रिश्ता अजरबैजान आर्मेनिया के युद्ध के समय से ही काफी अच्छा है, जिसके बाद अजरबैजान का इस्तेमाल कर पाकिस्तान ईरान में भी विद्रोह भड़काना चाह रहा है। वैसे आपको बता दें, जब आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई हो रही थी तब ईरान ने भारी संख्या में बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तैनाती कर दी थी, क्योंकि अजरबैजान कई बार ये कहता है कि ईरान के बॉर्डर के पास अजरबैजानी मूल के लोग ज्यादा रहते हैं, ऐसे में ईरान का ये हिस्सा भी हमारा है। और अब कहा जा रहा है पाकिस्तान ईरान से खुंदस निकालने के लिए इन आतंकियों का सहारा ले रहा है और अजरबैजान के जरिए ईरान को मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने इसके लिए वार्निंग भी दी है कि आईएसआई अजरबैजान की मदद ले रहा है और यहां अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जो आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सही नहीं होने वाला है। तो वहीं आपको बता दें, ईरान न सिर्फ ये धमकी दे रहा है बल्कि बड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी पाकिस्तान को दे दी है। वैसे आपको क्या लगता है, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।